अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भला कभी आपने गौर किया है कि कोई ताकतवर शख्स हमारे सामने आता है तो हम कुछ मरूब से हो जाते हैं। जाहिर है ये कुदरती अमर है, मगर समझदार लोग इस पर भी गौर करते हैं कि इन्हें ताकत देने वाली कौन सी चीज़ें हैं। इसी तरीके से मुल्क भी ताकतवर होते हैं, लोग उनके सामने झुकने पर मजबूर होते हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, अस्करी तौर पर या किसी और वजह से। मगर एक और चीज़ भी होती है, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बास कौमों में कुछ आदतें होती हैं जो बहुत मुश्तरक होती हैं, कॉमन होती हैं, वो भी ताकत देती हैं अगर वो अच्छी हों तो। आइए चाइना के हवाले से गौर करते हैं, क्या चाइनीज़ कौम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी आदतें हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी हैं। हाँ, एक बात जहन में रखनी चाहिए, जिस तरह हर शख्स में कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, इस तरह कौमों में भी होता है। मगर हम यहाँ चाइना की उन चीज़ों का जायज़ा लेंगे, चंद चीज़ों का, जिन्होंने उन्हें ताकतवर बनाया और आगे आने वाले वक्तों में भी इसका इम्कान है कि वो ताकतवर ही रहेंगे। सबसे पहले तो उस बात का जिक्र करते हैं जो सबसे अहम है, वो है वक्त की पाबंदी। अब यहाँ जो दोस्त वक्त की पाबंदी को इतनी अहमियत नहीं देते, मुमकिन है वो भिदक जाए। चलें, ये तो घिसा पिटा जुमला है, मगर भाई गौर करने की बात ये है कि आपकी ज़िंदगी क्या है। ये लम्हों का मजमूआ है, लम्हों को जोड़िए, दिन बनाइए, दिन को दिनों को जोड़िए, हफ्ते, महीने, साल, साल अशरे, फिर आपकी ज़िंदगी। तो जो लोग लम्हा लम्हा इस्तेमाल करने पर तवज्जो देते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे तो क्या होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे अहम असासे को बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किया। और ये चीज़ कौमों पे नहीं, अफराद पे भी लागू होती है। और दुनिया में कोई भी शख्स, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो ग़ुलाम मुल्क ही हो, अगर वक्त की पाबंदी को अहमियत देगा तो वो कामयाब होगा। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास हमारे अपने कायदे आज़म हैं, या ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुए, अव्वल रोज़ से उन्हें वक्त की पाबंदी की बड़ी अहमियत थी, और आज कायदे आज़म और वक्त की पाबंदी हम माने अल्फाज हैं। तो इसी तरीके से चाइना में चीनियों को आप देखिएगा, जो लोग उनसे रबते में हैं, चीनी बाहर हो या अपने मुल्क में हो, उनके तमाम मामूलात घड़ी के सुइयों की तरह बंधे हुए हैं। तो इस पर हमें खुद गौर करना चाहिए, ज़्यादा लेक्चर भाषण की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पता है सबसे अहम चीज़ वक्त है, इब्तिदा यहीं से की जा सकती है।